शुक्रिया दीपाली। और कमोडिटी मार्केट की बात करें तो आज बुलियन मार्केट के लिए, खासकर के एमसीएस के लिए, दो नेगेटिव खबरें हैं। एक तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमतों पर दबाव है जिसका इम्पैक्ट यहां पर दिखेगा, और दूसरी तरफ रुपया काफ़ी मजबूत हुआ है और डॉलर के मुकाबले रुपया 4 महीने की ऊंचाई पर पहुंचा है। इन दोनों खबरों का आपको नेगेटिव इम्पैक्ट आज एमसीएक्स गोल्ड पर देखने को मिल सकता है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में गोल्ड का भाव $1,226 प्रति औंस के आसपास यहाँ पर ट्रेड कर रहा है और करीब $7 की नरमी है। इस बीच एमसीएक्स पर ओपनिंग हुई है मार्केट की, कच्चे तेल में करीब ₹3 की नरमी है, 3547 का लेवल यहाँ पर देखने को मिल रहा है। इसके अलावा बात करें अगर यहाँ पर सिल्वर की, तो सिल्वर कीमतों पर दबाव है और 42,442 के स्तर पर मामूली बढ़त है ₹13 की जो ओपनिंग टिक है सिल्वर में। और गोल्ड की बात करें तो गोल्ड का मार्केट यहाँ पर 28,942 इसके आसपास यहाँ पर देखना होगा ओपनिंग टिक, ₹4 नीचे। हालांकि जो उम्मीद थी उसके मुताबिक गिरावट कम है, यहाँ पर महज ₹4 नीचे है। नेचुरल गैस में करीब 2% की नरमी है, 193 के नीचे है एमसीएक्स पर नेचुरल गैस का भाव। और साथ ही कॉपर की बात करें तो यहाँ पर थोड़ी सी कमजोरी है, 392 के नीचे एमसीएक्स पर कॉपर में ट्रेड होता हुआ दिख रहा है। हमारे साथ बातचीत के लिए दो एक्सपर्ट हैं, हमारे साथ राम पीतरे हैं कमोडिटी मार्केट के एक्सपर्ट मुंबई से, और साथ ही हमारे साथ वीरेश श्रीमत हैं कार्वी कॉम्ट्रेड के हेड ऑफ रिसर्च। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। राम पीतरे, मेरा पहला सवाल आपसे ये होगा कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी गिरावट है गोल्ड में, एमसीएक्स पर लेकिन उतनी गिरावट नहीं है, क्या आपको लगता है कि ऐसे में मार्केट रिकवरी की कोशिश करेगा आज? नहीं, बेसिकली एक 29,000 ब्रेक होने के बाद मार्केट में थोड़ी मुझे लगता है कि थोड़ी वीकनेस देखने को मिल रही है। जब तक मार्केट 29,000 के ऊपर नहीं क्लोज होता है ऑन द क्लोजिंग बेसिस, उसमें एक अपसाइड मोमेंटम दिख नहीं रही है। विल गो विद द मार्केट, मुझे लगता है कि मार्केट अभी अपसाइड एक कैप हो चुका है अराउंड 29,400 29,500 के लेवल पे। हाँ। वहां से एक करेक्शन आएगी, मुझे लगता है 28,750 28,600 ऐसे ही जो लेवल्स हैं, उनके दिख रहे हैं अभी मार्केट में। बट ओवरऑल ट्रेंड मुझे लग रहा है कि स्लाइटली बेरिश रहेगा गोल्ड एंड सिल्वर में। तो आप कह रहे हैं कि ट्रेंड जो है बुलियन का वो बेरिश ही रहेगा, आपका कमेंट क्या होगा वीरेश श्रीमत? क्या आपको लगता है कि अभी मार्केट यहाँ पर दबाव में ट्रेड करेगा और ऐसे में जो लोग ट्रेड करना चाहते हैं उनको बेचकर चलना चाहिए? जी बिल्कुल मृत्युंजय, मैं दूसरे एक्सपर्ट के सहमत हूँ। मेरे को भी गोल्ड सिल्वर दोनों में बिकवाली का ट्रेंड अभी भी देखने को मिल सकता है। आज के इंटरडे में बेसिस में देखना है तो मेरे को लग रहा है अराउंड 28,850 या 28,875 लेवल देखने को मिल सकता है। इसलिए मेरे को मैं सेलिंग का रेकमेंड करूंगा अराउंड 29,050 लेवल्स में और 29,180 लेवल्स का स्टॉप लॉस के साथ। जैसे सिल्वर की बात की तो सिल्वर में भी एक बिकवाली का एक ट्रेंड रहेगा, इसलिए मैं बिकवाली का सलाह दूंगा अराउंड 42,600 लेवल में। आज के लिए टारगेट होगा 42,100 और स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए 42,850 लेवल्स का। ओके, रुपए के ऊपर राम पीतरे आपका कमेंट क्या होगा? आज डॉलर के मुकाबले रुपया काफी मजबूत है, 4 महीने की ऊंचाई पर पहुंचा है, क्या आपको लगता है कि रुपए में भी और तेजी आ सकती है? नहीं, ओवरऑल रुपी के जो मूवमेंट देखने के बाद ऐसा लग रहा है, एक बार आपने 69 रुपीज देखने के बाद मार्केट में कंटिन्यूअसली मार्केट में एक एप्रिसिएशन मोड देख रहा है, इवन दो डिमोनिटाइजेशन होने के बावजूद मुझे लगता है कि एक अनदर एक 30 पैसा और 40 पैसा अराउंड 66.50 काइंड ऑफ लेवल, इवन दो मुझे लगता है कि एक होल्ड होनी चाहिए एट प्रेजेंट। जो ये जो राइज है इसके नीचे तो मैं नहीं देख रहा हूँ, बिकॉज यहाँ पे काफी आरबीआई इंटरवेंशन, अभी भी आरबीआई इंटरवेंशन जारी है, पर मुझे लगता है वहाँ पे ज्यादा बरकरार रहेगी, तो मुझे लगता है उसके 66.50 के नीचे मैं ज्यादा नहीं देख रहा हूँ। ओके ठीक है, आपका कमेंट वीरेश श्रीमत, आज के लिए कच्चे तेल के ऊपर क्या होगा? क्रूड कीमतें दबाव में है, $53 के आसपास है भाव, ब्रेंट का भाव $56 के करीब है, रेंज बाउंड ट्रेड यहां पर देखने को मिल रहा है, क्या आपको लगता है कि कच्चे तेल में आज के लिए रेंज बाउंड ट्रेड ही रहेगा? जी बिल्कुल, रेंज बाउंड ट्रेड रहेगा। जिसी को भी कुछ ट्रेड करना है तो एक छोटा टारगेट के लिए एक सेल करके जा सकते हैं अराउंड 3570 लेवल पर, 3500 का टारगेट के लिए, और 3610 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए। आपका व्यू क्या है राम पीतरे क्रूड को लेकर?
मुझे स्लाइटली साइडवेज मूवमेंट दिख रही, ज्यादा तेजी ज्यादा मंदी नहीं है, बट जिनको 20 से 25 और 30 पैसे के 30 रुपए के रेट में खेलना है तो अराउंड 35-70-75 में मुझे लगता है कि बिकवाली करनी चाहिए उसका, एक और फॉर ए टारगेट अराउंड 35-30 और 35-10, तो ज्यादा मूवमेंट नहीं दिख रही है, सो एक 30-40 पॉइंट्स के मूवमेंट के लिए हम सेल करके चलिए। ओके ठीक है, और क्रूड पर कुछ महत्वपूर्ण बातें अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी ने कही हैं, ये आपको हम बता दें। 2022 तक यूएस में कच्चे तेल का उत्पादन रोजाना 14 लाख बैरल रहेगा, ये बात आईए ने कही है। भाव $60 प्रति बैरल के करीब रहा तो भी अमेरिका में कच्चे तेल का उत्पादन बढ़ेगा, ये बात साफ तौर पर अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी की तरफ से कही गई है। और भाव $80 तक गया तो 2022 तक उत्पादन 30 लाख बैरल डेली होगा। इसके अलावा अगले 5 साल में क्रूड की मांग बढ़ेगी, ये बात भी कही है अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी ने। और 2019 में क्रूड की मांग 10 करोड़ बैरल रोजाना रहने का अनुमान है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बातें, इस पर आप नजर रखिए। मेटल को लेकर के वीरेश क्या व्यू है आपका? मेटल मेरे को 3 मेटल एक अच्छा लग रहा है, सब मेटल एक सेलिंग साइड में रहेगा। पांचों में मेरे को कॉपर, जिंक और एल्युमिनियम सेलिंग करने का एक बेटर ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी बन सकता है। कॉपर को मैं सेल करने का रेकमेंड करूंगा अराउंड 394 लेवल्स के लिए, आज के लिए टारगेट होगा 388 और 397 लेवल्स का स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। ऐसे जिंक में भी एक सेलिंग का व्यू है, एक 184 लेवल में सेल करना है, टारगेट रहेगा 181 और स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए 185.5। ऐसे एल्युमिनियम भी एक सेलिंग का व्यू है। ओके ठीक है, इसके अलावा एग्री मार्केट के ऊपर विदेशी रेमत आपका व्यू क्या है, आज के लिए आपकी टॉपिक क्या होगी? आखिरी मार्केट में बात किए तो मेरे को कैस्टल एक अच्छा काउंटर लग रहा है, इसमें लगातार तेजी का रू बना हुआ है, आज भी कंटिन्यू रहेगा, इसलिए मैं कैस्टल से बाइंग का रेकमेंड करूंगा अराउंड 4350 लेवल्स में, टारगेट होगा 4400 और 4260 लेवल्स में स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए।